आज उनके बेटे को टिकट देने से इनकार कर दिया। गरीब बहन जी मिशन से भटक गई हैं, जब तुम्हें MLC बना रही थी, जब तुम्हें राज्यसभा सांसद बनाई, जब तुम्हें मिनिस्टर बना रही थी, तब बहन जी मिशन से नहीं भटकी थी। ये जितने लोग इस तरीके का शोर बचा रहे हैं कि बहन जी मिशन से भटक गई हैं, ये वही लोग हैं कि इनका समाज से कोई लेना नहीं। हापुड़ को भीमनगर बनाया गया था, बाबा साहब के नाम से जिला बनाया गया था, तो इसी अखिलेश सरकार ने उसको भीमनगर को बदल करके हापुड़ कर दिया गया। जब शामली को प्रबुद्ध नगर बनाया गया था तो उसको शामली कर दिया गया था। हमारे महापुरुषों का इतना अपमान हुआ है, उनके जिलों के नाम बदल दिए गए, मंडलों के नाम बदल दिए गए। इतनी बेइज्जती हमारे महापुरुषों, बहुजन महापुरुषों की है। हमारे जाति के आधार पर कोई बहुजन नेता नहीं, तो विचार के आधार पर बहुजन। SC ST OBC माइनॉरिटी के जो महापुरुष हैं, फूले, कबीर, नानक, रैदास, साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानव साहब कांशीराम, इस विचारधारा के जो लोग हैं, यही वो लोग हैं सही मायने में इनकी जो विचारधारा, फूले अम्बेडकर आंदोलन जो है, जो उस पर खड़ा उतरेगा वो चाहे हमारा है चाहे पराया, वो हमारा अपना है, वो बहुजन समाज। योगी जी फाइट में नहीं है, कहाँ है फाइट में? 50 सीट तो इस बार किसान हरा रहे हैं उनको, 50 सीट तो किसान हरा रहे हैं उनको। और जो ब्राह्मण इस बार, जो 500 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई है, 500 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई है, अब क्या ब्राह्मण वोट दे देगा उत्तर प्रदेश के अंदर? ब्राह्मण आँख बचाए बैठा है, माने सतीश मिश्रा जी के नेतृत्व में, माने बहन जी को अपना नेता, आदर्श नेता मान चुका है। ब्राह्मणों को तो इन्होंने कुचल दिया, 500 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। हमारी बहनें ब्राह्मण समाज की विधवाएं हो गई, हमारी माएँ के बेटे चले गए, बहनों के हाथ की राखियाँ टूट गई। आप कैसे कह सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं हम लोग के ब्राह्मण समाज का कितना अपमान हुआ है? नरेंद्र मोदी जी की क्या हिम्मत है विचारों की? वो तो खुद RSS ने दबा रखे हैं, उनका तो बोलने से पहले लेटर जो, वो खुद RSS के हेडक्वार्टर जाता है, नागपुर जाता है, वो खुद कहते हैं कि इसमें से क्या बोलना है, क्या काटना है। जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री, जिनका बोलने का स्पीच का लेटर जो नागपुर से टाइप होकर के आता हो, तो वो बहन जी को कहेंगे, अरे बहन जी के ऊपर तो कोई ऐसी संस्था है नहीं, बहन जी तो जो बोलती हैं, जैसा बोलती हैं, लिखकर बोलती हैं, पढ़कर बोलती हैं, बिना देखे बोलती हैं, जो बोलती हैं उनके अपने शब्द होते हैं। तो लोग कह रहे हैं पढ़ लिख के, अरे पढ़ करके बोलना कौन सा गुनाह है भाई? पढ़ा लिखा आदमी पढ़ करके बोलेगा, अनपढ़ आदमी थोड़ी पढ़ करके बोलेगा। तो बहन जी पढ़ी लिखी, पढ़ लिख करके पढ़ करके बोलती हैं। और नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि अब तक जो कयास लगाया जा रहा था कि इस फाइट में BSP जो है बैकफुट पे है, तो दरअसल ये गलतफहमी जो है दूर करना पड़ेगा, क्योंकि BSP ने एक ऐसा रणनीति तैयार किया है जिसके चलते सपा से लेकर भाजपा और कांग्रेस जो है बैकफुट पर नजर आएंगी। हमारे साथ राहुल नागपाल जी जुड़ चुके हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे, जो दिल्ली में बैठकें हुई हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जी यहाँ पर आए हुए थे और तमाम BSP के बड़े पदाधिकारी, आला कमान जो है यहाँ पर मौजूद थे, उनके संरक्षण में एक बड़ी बैठक हुई है, क्या निर्णय लिया गया है, राहुल नागपाल जी से लगातार जानने की कोशिश करेंगे। राहुल जी, क्या बैठकें हुई हैं, इस तरफ आइए, क्या बैठकें हुई हैं, दरअसल क्या चर्चाएँ हुई हैं उसमें? सबसे पहले तो ये कि मैं माने बहन जी से मिला तो मैंने यही कहा कि जो हमारा सोशल मीडिया है, खासतौर से जो गली में मोहल्ले में काम करता है, तो किस प्रकार से उसको पार्टी के लिए बेहतर काम कर सकता है, उसमें बात हुई। और माने बहन जी ने कहा कि सतीश चंद्र मिश्रा जी जो राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो बहुजन सोशल मीडिया है उसके साथ बैठ करके बातचीत करेंगे। तो मैं बहन जी के लिए धन्यवाद करता हूँ, उनका जो स्नेह, उनका जो आशीर्वाद मिला हमें, जिसके चलते लगभग 32 बहुजन यूट्यूबर्स को एक छत के नीचे लाने में हम लोग कामयाब हुए। और माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के साथ में मीटिंग जो है वो बड़ी सफल रही। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि बसपा फाइट में नहीं है, बसपा लड़ाई में नहीं है, बसपा मतलब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहीं ना कहीं उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि अभी 4 महीने पहले जब प्रबुद्ध सम्मेलन नहीं चालू हुए थे, तब तक ये था कि बसपा फाइट में नहीं, लेकिन जब प्रबुद्ध सम्मेलन होने शुरू हुए तो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं, वहाँ एक एक घंटे की डिबेट हो रही है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि जिस प्रकार से बहुजन मीडिया इकट्ठा हुआ है और लगभग 70 से 75 संगठन हैं जो अब बसपा के लिए उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। मैं खुद जो है उत्तर प्रदेश में निकल रहा हूँ अभी 17, 18 या 19 तारीख के बाद में, और लगभग जो हमारे संपर्क में लोग हैं, अन्य किसी संगठन में लोग हैं, अभी हमने सबको यही कहा है कि सब लोग मिल करके इस बार बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने का काम करें, क्योंकि ये करो या मरो की स्थिति है। अब हमारे पास में कुछ और है नहीं, अगर हम इस बार कुछ नहीं कर पाए तो फिर बचाने के लिए, कहने के लिए, समझने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कहने के लिए हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। तो मेरा तो यही है शुरू से, और आज भी है कि मैं बसपा में आया हूँ तो ये सोच करके आया हूँ कि यहाँ जो बहुजन का, जो बहुजन समाज पार्टी का जो मीडिया है वो मजबूत हो सके, और बहन जी की और पार्टी के बड़े शीर्ष नेताओं की जो बात है वो खेत खलिहान में काम करने वाले, गांव देहात में रहने वाले आदमी तक 5 मिनट में के अंदर अंदर डिलीवर हो सके। नहीं, बहन जी से जब आप मिले, बहन जी ने आपको क्या बताया
किन वो अहम मुद्दे हैं जिन पर काम करना चाहिए दलितों को या अन्य संगठन के जो जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है उनको लेकर क्या बातचीत हुई राहुल जी? बहन जी से मेरी यही बातचीत हुई, मैंने बहन जी को कहा, मैं बहन जी इस प्रकार से हम ये चाहते हैं कि एक घंटा 7 मिनट की बातचीत चली। जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी मिलती नहीं है, बहन जी बाहर जूते उतरवा देती है, बहन जी किसे बात नहीं कर सकते हैं, बहन जी मतलब वो सब लोग बहन जी के बारे में इतना सारा रूमर जो है वो फैला रखा है। मैं वहाँ गया, वहाँ मेरे हमारे साथी थे, सुजीत सम्राट थे, सिकंदर बोस जो भीम आर्मी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे वो थे, तमाम वो साथी थे, हम 14-15 लोग थे पूरे प्रदेश भर के, बड़े सब जिम्मेदार साथी थे, बड़े बड़े संगठनों से आए थे, खासतौर से भीम आर्मी के लोग थे, और वो भीम आर्मी के लोग थे, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ थे जिनको मैं लेकर गया था अपने साथ। सिकंदर बोस को आप तोड़ेंगे? नहीं, चंद्रशेखर को हम ही तोड़ेंगे, चंद्रशेखर के पास में है क्या, समाज ही के दो लोग हैं, और चंद्रशेखर भी तो समाज के, कोई बाहर से थोड़ी आया, तो चंद्रशेखर के आसपास के लोग जो जिनको हमने इकट्ठा किया था, अब उनको लगता है कि नहीं हमारी हमारी नेता बहन जी हैं, राजनीतिक रूप से हमारी एक ही पार्टी है, जैसे मैं हमारे 3-3 पीढ़ी तक लोग काम करते रहे, तो अब वो लोग उसी पार्टी में घर वापसी कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, एक अच्छा मैसेज है, और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग बहन जी के बारे में ये कहते हैं कि बहन जी मिलती नहीं है, हमारी मीटिंग और हमारी गल बहन जी के साथ फोटो नहीं खिंचा सकते, बड़े स्नेह के साथ उन्होंने हमारे साथ फोटो खिंचाया, सब कुछ हुआ, नाश्ता कराया अपने ऑफिस में, तो बहन जी एक नई रणनीति के साथ में युवाओं को मौका दे रही हैं, और मैं समझता हूँ कि बहन जी जिस प्रकार से फील्ड में आ रही हैं, और अब ये देखिए आप 1 महीना दीजिए, 1 महीने के बाद में जो बहन जी जो करने जा रही हैं, बड़ा उत्तर प्रदेश की राजनीति उथल पुथल होने वाली है। जो लोग ये कह रहे हैं कि बसपा की सरकार नहीं बनेगी, बसपा की रणनीति, मैं कह रहा हूँ बसपा ये तो कह रहे हैं 350+, हम ये तो नहीं कर रहे, लेकिन हम पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार बनाने जा रहे हैं, 2007 की तरह 100% पूर्ण बहुमत की सरकार। बात बताइए, बीजेपी के पास 50 लाख IT कार्यकर्ता हैं जो लगातार रूमर्स फैला रहे हैं, काम कर रहे हैं बहन जी के बारे में, कांग्रेस के बारे में तमाम, आप उसका आपके पास उसका मुकाबला है, आपके पास तोड़ है उसका? बहन जी के पास मैंने माना कि उनके पास में 50 लाख IT कार्यकर्ता है, लेकिन हमारे पास में उन्होंने पैसे से ले रखे हैं, उन्होंने मतलब एक तरीके से हायर कर रखे हैं उन लोगों को, आईटी सेल उनकी पैसे से चलती है, लेकिन हमारे यहाँ आपका हमारा सबका जो बहुजन मीडिया, एक तो वो है जो निस्वार्थ काम करता है, जब वो अगर बसपा का नाम भी लिखता है तो दिल से लिखता है, वो इसलिए नहीं लिखता है कि उसे पैसा मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्या मिलेगा, वो हिसाब नहीं लगाता, उसको लगता है मेरी पार्टी मुझे काम करना चाहिए। तो बसपा में जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, चाहे वो आईटी सेल के रूप में काम कर रहे हो, चाहे सोशल मीडिया के रूप में काम कर रहे हो, चाहे मतलब अपनी बात को बहन जी के मैसेज को महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने का जो लोग काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं कि जो लालच में नहीं कर रहे। आज जो लोग आईटी सेल में काम कर रहे हैं, हो सकता है वो कल किसी बीजेपी की आज हैं, कल को सपा में चले जाएं, परसों को कांग्रेस में चले जाएं, तो ये पैसे पे पेड लोग हैं, और बसपा का जो कार्यकर्ता वो पेड नहीं है, बसपा की रैली में कार्यकर्ता जो वो 200-200 रुपये में 500-500 रुपये में इकट्ठा करके, वो जेनुअन लोग हैं, जेनुअन भीड़ है, भीड़ नहीं है, वो अपने लोग हैं, साथी हैं हमारे, मूवमेंट के साथी हैं, कैडरा ही लोग हैं। तो ये कहना कि उनके पास 50 लाख लोग हैं, 50,000 लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, इतना फंड है उनका आईटी सेल का, हमारी गरीबों की पार्टी है, जैसे माननीय बहन जी कहती हैं कि 2-2, 4-4 रुपये चंदा लेकर के हम लोग जो है वो पार्टी चलाते हैं, ये धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, मानेवर साहब काशीराम ने साइकिल पर चल करके पार्टी खड़ी की थी, आज हमारे पास में आज तो सब कुछ है, गाड़ी है, घोड़ा है, ऑफिस है, सब कुछ है हमारे पास में, हर कार्यकर्ता के पास में 10-20 हज़ार का मोबाइल है, जिससे वो बहन जी का जो मैसेज है, महापुरुषों का जो मिशन है, उनकी जो विचारधारा है, उसको 1 सेकंड में आगे अगले मोबाइल तक पहुँचा सकता है। तो आज तो हमारे पास संसाधन है, हमने कांग्रेस जैसी पार्टी को उस समय नाको छाने चबा दी, उस समय धूल चटा दी थी, जब हमारे पास कुछ नहीं था, मानेवर साहब साइकिल के पास, मानेवर साहब के पास साइकिल के अलावा कुछ नहीं था। तो विचारधारा होनी चाहिए, इस देश के अंदर विचार की लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है। विचार किसके पास है, 100% विचार किनके पास है, बुआ के पास ही, बबुआ के पास, बुआ के पास, बुआ जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम बसपा के पास विचार नहीं है, ये जो समता मैत्री करुणा भाईचारा लोकतंत्र में जो संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया ये जो चीज है ये किसके पास है, हम तो संविधान को मानने वाले, जो आप बात बोल रहे वही चंद्रशेखर बोलता है, नहीं चंद्रशेखर के बोलने से क्या हो रहा है, चंद्रशेखर बोले हम तो उन पर बात ही नहीं करें, हम तो कह रहे हैं भाई है समाज का, बात करता हूँ, नहीं बीएसपी ज्वाइन करें ना करें उनका व्यक्तिगत मामला, उन्होंने पार्टी बनाई है, वो सोच समझ के बनाई है, उनका क्या, उनके साथ के जो लोग हैं उनकी जिनकी बसपा में आस्था है उन सबका स्वागत है, सिकंदर बोस आगे, मोहम्मद गाजी आगे, और आधी से ज्यादा भीम आर्मी अगले 10 तारीख तक, अगले 10 दिसंबर तक हम सोच रहे हैं 80-90% कार्यकर्ता हमारे संपर्क में, उनके खास के लोग हमारे, तो सब लोग आएंगे क्योंकि हमारी सबकी एक ही नेता बहन जी चंद्रशेखर से या और ना। तो फिर ये कौन लोग कह रहे हैं कि कौन है ये लोग जो कह रहे हैं कि मिशन से भटक गई है, रास्ता भटक गई है, मंजिल भटक गई? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, वही लोग हैं जैसे मैं नाम लेके कहूँ कि बीर सिंह जी 3 बार सांसद रहे, मुरादाबाद में छोटे से तख्त पर बैठ करके लोहे के संदूक के साथ में बकालात किया करते थे, कुछ लोग 90 के दशक में उनको लेकर के आ गए, बहन जी ने 3-3 बार राज्यसभा सांसद बना दिया, 18 साल तक राज्यसभा सांसद रहे,
18 साल तक राज्यसभा सांसद है, दो बार बसपा ने चुनाव लड़ा, हार गए एक बार, बेटों को लड़ा, हार गए, तीन तीन चुनाव हारे, लेकिन फिर भी बहन जी ने विश्वास किया कि समाजकर मूवमेंट का आदमी है, इसको राज्यसभा में भेजना चाहिए। तीन तीन बार राज्यसभा में भेजे, आज उनके बेटे को टिकट देने से इनकार कर दिया। बहन जी मिशन से भटक गई, जब तुम्हें MLC बनाई थी, जब तुम्हें राज्यसभा सांसद बनाई, जब तुम्हें मिनिस्टर बनाई थी, तब बहन जी मिशन से नहीं भटकी थी। आज तुमको टिकट नहीं दिया तुम्हारे बेटे को, आज बहन जी मिशन से भटक गई। ये जितने लोग इस तरीके का शोर बचा रहे हैं बहन जी मिशन से भटक गई है, ये वही लोग हैं कि इनका समाज से कोई लेना नहीं। इनसे पूछेगा आज छोड़ करके क्यों गए? आज लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, उनसे सवाल करिए आप समाजवादी पार्टी में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो भैया, बता दो थोड़ा सा। ये वही अखिलेश यादव जी है कि जिन्होंने 4.5 लाख हमारे SC ST के सरकारी कर्मचारी जो थे जिनका डिमोशन कर दिया था, जिन्होंने 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों का डिमोशन कर दिया था, सब इंस्पेक्टर को हेड कांस्टेबल ASI बना दिया था, ASI को हेड कांस्टेबल बना दिया था, और चीफ इंजीनियर को इंजीनियर बना दिया था, लोगों ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। आज वो लोग अपने समाजवादी पार्टी के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो अपने उस पर लगाते हैं बैनर पर, भूल गए हम दलित समाज है बहुजन समाज, उस बात को भूल जाएगा कि जब हापुड़ को भीमनगर बनाया गया था बाबा साहब के नाम से जिला बनाया गया था, तो इसी अखिलेश सरकार ने उसको भीमनगर को बदल करके हापुड़ कर दिया गया। जब शामली को प्रबुद्ध नगर बनाया गया था तो उसको शामली कर दिया गया था। हमारे महापुरुषों का इतना अपमान हुआ है, उनके जिलों के नाम बदल दिए गए, मंडलों के नाम बदल दिए गए, इतनी बेइज्जती हमारे महापुरुषों बहुजन महापुरुषों की है। हमारे 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों का जो डिमोशन कर दिया गया, और आज हमारे साथ लोग कह रहे हैं कि साहब अखिलेश यादव तो बहुजन नेता, कैसे नेता, जाति के आधार पर कोई बहुजन नेता नहीं, तो विचार के आधार पर बहुजन। SC ST OBC माइनॉरिटी के जो महापुरुष हैं, फूले, कबीर, नानक, रैदास, साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानव साहब कांशीराम, इस विचारधारा के जो लोग हैं, यही वो लोग हैं सही माने में इनकी जो विचारधारा, फूले, अम्बेडकर, ये आंदोलन जो है, जो उस पर खड़ा उतरेगा वो चाहे हमारा है चाहे पराया, वो हमारा अपना है, वो बहुजन समाज। योगी जी का क्या तो रहा है? योगी जी लगता है कि आपको टिकट देंगे? योगी जी फाइट में नहीं है, कहाँ है फाइट में? 50 सीट तो इस बार किसान हरा रहे हैं उनको, 50 सीट तो किसान हरा रहे हैं उनको। और जो ब्राह्मण इस बार, जो 500 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई है, 500 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई है, अब क्या ब्राह्मण वोट दे देगा उत्तर प्रदेश के अंदर? ब्राह्मण आँख बिछाए बैठा है, माने सतीश मिश्रा जी के नेतृत्व में, माने बहन जी को अपना नेता, आदर्श नेता मान चुका है, और वो इस उम्मीद में लगा हुआ है कि कैसे ये 2-2.5 महीने कट जाएं तो फिर हमारी सरकार आएगी, फिर वही राज होगा जो 2007 से 2012 वाला था बहन जी के नेतृत्व में, फिर ब्राह्मण क्या सारे समाज के लोग सुरक्षित होंगे? ब्राह्मणों को तो इन्होंने कुचल दिया, 500 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई, हमारी बहनें ब्राह्मण समाज की विधवाएं हो गई, हमारी माएँ के बेटे चले गए, बहनों के हाथ की राखियां टूट गई, आप कैसे कह सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं हम लोग के ब्राह्मण समाज का कितना अपमान हुआ है? तो ये जो चल रहा है इस देश के अंदर, 23-24% SC ST उत्तर प्रदेश के अंदर, 13% ब्राह्मण मुस्लिम, इस बार 40-50% बसपा को वोट मिलने वाला है, और देव जी आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। तो ये कौन लोग रूमर फैला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है बहन जी को दबाए हुए हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं? अरे नरेंद्र मोदी जी की क्या हिम्मत है विचारों की, वो तो खुद RSS ने दबा रखे हैं, उनका तो बोलने से पहले लेटर जो, वो खुद RSS के हेडक्वार्टर जाता है, नागपुर जाता है, वो खुद कहते हैं कि इसमें से क्या बोलना है क्या काटना है। जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री, जिनका बोलने का स्पीच का लेटर जो नागपुर से टाइप होकर के आता हो, तो वो बहन जी को कहेंगे, अरे बहन जी के ऊपर तो कोई ऐसी संस्था है नहीं, बहन जी तो जो बोलती हैं, जैसा बोलती हैं, लिखकर बोलती हैं, पढ़कर बोलती हैं, बिना देखे बोलती हैं, जो बोलती हैं उनके अपने शब्द होते हैं, उनका तो प्रवक्ता भी अगर TV मीडिया में सोशल मीडिया में जाता तो बहन जी पूछ लेती हैं कि क्या करो। माने बहन जी ने हमसे बताया तो मैं चेक करती हूँ एक एक शब्द का क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। माने बहन जी मोदी जी की तरह क्या नाम है लूज टॉक नहीं करती हैं, ऐसा नहीं कहती हैं कि वो 130 करोड़ की आबादी को 430 करोड़ बता दें, क्यों? क्योंकि इस तरीके की बात वही आदमी करेगा जो अनपढ़ होगा। बहन जी पढ़ी लिखी हैं, पढ़ करके बोलती हैं, ये बात अलग है। जो लोग कह रहे हैं पढ़ करके बोलना कौन सा गुनाह है भाई, पढ़ा लिखा आदमी पढ़ करके बोलेगा, अनपढ़ आदमी थोड़ी पढ़ करके बोलेगा, तो बहन जी पढ़ी लिखी है, पढ़ करके बोलती है। तो ये सारी चीज़ें जो रूमर बहन जी के बारे में फैला जा रहा है, ये गलत है। मैं इसका पुरजोर खंडन कर रहा हूँ, और अपने तमाम बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। सरकार आपकी बन रही है 100% आइए, और आप इस जीत की नाम में बैठिए, ताकि कल को आप अपने बच्चों से कह सकें कि जो 2022 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी उसमें हम भी बहन जी के साथ थे। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोग नाराज हैं गांव कस्बे में लोग, उसको क्या मैसेज? उन्होंने कोई पार्टी भी ज्वाइन नहीं करी है, सिर्फ इस आस में बैठी हुई कि बसपा जो फिर से एक्टिव होगी। नहीं, बसपा एक्टिव है, हमारे जैसे लोग जो पार्टी के बाहर से काम कर रहे थे, बहन जी ने 1 घंटे से ज़्यादा की मुलाकात की, आज पूरे देश के अंदर युवाओं में जोश भर गया, मेरे पास हजारों की संख्या में फोन आए, भैया आप जैसे लोग पहुंच गए बसपा में, अब शायद अब जो है वो एंट्री होगी, सब कुछ होगा। पार्टी के अंदर कुछ लोग घटिया किस्म के लोग थे जो या तो निकाल दिए गए या निकल गए, अब पार्टी में कोई ऐसा आदमी नहीं बचा है जो इस टाइप का होगा, जो बहन जी से ना मिलने दे, बहन जी को मतलब एक तरीके लोग कहते हैं जी 10 लाख रुपये 20 लाख रुपये दो तब बहन जी से
मिलोगे, हमसे तो किसी ने चबनी नहीं मांगी, हमारी तो फोटो भी खींची बहन जी के साथ में। तो ये जो लोग थे जो बहन जी को बदनाम करते थे, आज वो तमाम लोग जो है बसपा को छोड़ करके जा चुके हैं, और हमें अच्छी खुशी है हमारी बसपा की, बहुजन समाज पार्टी की, हमारे बहुजन महापुरुषों के विचारों की एक तरीके से साफ हो गया, बिल्कुल फिल्टर हो गई बसपा। और अब बसपा नई बसपा नहीं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि बसपा जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा, बाप बहन जी जो कहेंगे वो सीधी सीधी बात बाहर आएगी। अब बहन जी के और वोटर के बीच में जो एक कड़ी बनी हुई थी वो नहीं है, अब बहन जी हमारे पास और हम बहन जी के संपर्क में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।